इसका मतलब शिव ऑफिस में ही है। भाभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर और रुक जाना सांची, शिव बस आते ही होंगे, मिलके जाना। सच में मन तो बहुत है उनसे मिलने का, लेकिन टाइम पर घर पहुंचना भी जरूरी है ना। कोई बात नहीं, आप शिव भैया से कहना कि सिर्फ हम ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसे हैं, और उस रसिका की बकवास पर कोई यकीन नहीं करने वाला। मैं और विवेक जी पूरी तरह से उनके साथ हैं। थैंक यू सांची, मैं जानती हूँ थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि शिव इस कीचड़ से बेदाग निकल आएंगे। भाभी जब आप भैया के साथ हैं ना, तो कोई उनकी रेपुटेशन को छू भी नहीं सकता, बहुत जल्द वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। चलती हूँ। बस हो गया, आजाद कर रहा हूं मैं तुझे। दो मिनट का वक्त देता हूं, बचा सकता है तो बचा ले खुद को। कलेक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें गाड़ी में डालिए जल्दी। सब कुछ तुम पर है रसिका, चूकना मत वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं बस खाना गरम करने ही जा रही थी। कहाँ पहुंचे आप? आनंदी मैं घर नहीं आ रहा, नरेंद्र को लेकर सिविल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। रसिका का पति मैं बस सिविल हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूँ। मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ। उनका इतना डर मुझे आज तक कभी नहीं लगा जितना आज लगा जब मैं तुम्हें बचाने के लिए उस गांव की तरफ आ रहा था। अपनी हर सांस के साथ बस मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने इस डर की वजह सिर्फ मैं ही हूं। अगर मैंने वक्त पर फोन चेक कर लिया होता तो
तो तुम्हें वो खतरा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गंगा, I'm sorry, मैं आगे कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप तो अपना विधायक होने का फर्ज निभाने गए थे ना, और आपकी धर्मपत्नी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी को बांटना, इससे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इतनी सी ही बात है, इसमें ना ही आपकी गलती है और ना ही मेरी। लेकिन आगे से कभी भी इस तरह की सिचुएशन में तुम मेरा इंतजार करोगे, अकेले खुद कुछ नहीं करोगे। मैं वचन देती हूँ, अकेले नहीं करूंगी। बहुत कुछ दिया है मुझे जयंत सर ने, प्यार, सम्मान और सबसे बढ़कर जगदीश जैसा बेटा। अब ऐसे में मैं इस जगह का नाम जयंत सर आयुर्वेद ना रखूं और क्या रखूं? और अब मैं जयंत सर के और अपने इस लायक बेटे विधायक डॉक्टर जगदीश से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे जीवन के इस नए अध्याय का शुभ आरंभ करें। आइए। डॉक्टर साहब, ये मेरा ऑफिस है। हाँ, और डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सोचा है कि जब फैक्ट्री काम करना शुरू कर देगी तो उसमें काम करने के लिए विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वो सम्मान के साथ अपनी जीविका कमा सके और उन्हें किसी की दया पर आश्रित रहना ना पड़े। देवी माँ आपको भड़ो करें श्यामल भाई, एक तो आयुर्वेदिक दवाओं का कारखाना खोलो हो और उसके ऊपर फिर विकलांगों को रोजगार, ये तो सोने पे सुहागो हो गए हो जैसर वालों के लिए। माँ जी, दूसरों को खुद से पहले रखकर उनकी खुशी के बारे में सोचने का पाठ, ये तो मैंने आपके जीवन को देखकर सीखा है। अब इसे मैं अपने जीवन में कितना उतार पाता हूं देखते हैं। नियत अच्छी हो तो ईश्वर भी साथ देते हैं श्यामल भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। चलिए जी, कुछ जलपान हो जाए, लाए भाई। आनावल सर, गांव वाले यहां आपका वेट कर रहे हैं, आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं पहुंच रहा हूं अभी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। दादी साहब, वो ऑफिस में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं मुझसे, जाना होगा। इस तरह बीच में भोजन को छोड़कर जाना, ये भोजन का अपमान होता है जगदीश। लेकिन श्यामल भाई, तुम्हारी व्यस्तता के बारे में मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसे एक दाना अन्न का नसीब नहीं होता, वहां इतना भोजन छूटा करके छोड़ना ये पाप से कम नहीं है। अरे ठीक ही तो बोल रहे हैं जगह,
पांच मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, शांति से खा ले। जी बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए। ठीक तो है ना? मैं जाके मिल लूं उनसे। हमने बहुत कोशिश की, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हम नरेंद्र को नहीं बचा सके। इज नो मोर। थैंक गॉड कि नरेंद्र गुजर गया। अब तुम देखना क्या हाल करती हूं मैं तुम्हारा मिस्टर शिवराज शेखर। ऐसा नहीं हो सकता, नरेंद्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो जानते हैं कि मेरा उनके सिवा और कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मारा है मेरे पति को। मैम छोड़िए नहीं। तुम्हारी आवाज की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे। नरेंद्र तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारी पहुंच इतनी बड़ी थी कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। क्यों किया ऐसा? तुमने मारा है मेरे पति को। मिस्टर शिवराज शेखर यू आर द कल्प्रिट, यू अंडरस्टैंड दैट? मैम छोड़िए इन्हें। नहीं छोड़ोगे? इन्होंने मेरे पति को मारा है, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा घर, मेरा संसार, सब कुछ। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। रसिका छोड़ो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को। हम नरेंद्र की मौत का मातम नहीं मना सकते। अगर हमने नरेंद्र से थोड़ा सा भी प्यार किया तो हम एक भी आंसू नहीं बहाएंगे। हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे, नरेंद्र को इंसाफ दिलाएंगे हम।
दोषी को सजा दिलवाएंगे हम। किसने मारा आपके बेटे को? किस आदमी ने? देखिए ये हॉस्पिटल है, क्या शोर मत करिए। ये इंसान, इसकी वजह से मेरा बेटा जलकर मर गया और ये गिरफ्तार कीजिए इसे। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन अपने तरीके से। और फिर रसिका जी ने भी जो नरेंद्र के आत्महत्या के लिए कलेक्टर साहब को जिम्मेदार ठहराया है, वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, उसका फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट कचहरी का बहाना देके बचाना चाहते हैं आप इसे? अपने हाथों से नहीं मारा तो क्या हुआ? मरने के लिए मजबूर तो इसी आदमी ने किया है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तुम्हारा? था तुमने यह क्या उसके साथ? क्यों किया? बोलो क्यों किया? चलिए शुरू। अरे वाह, तुम्हारा बुखार तो ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सींग। अब अगर तुम दोपहर को बाहर खेलने नहीं जाओगे, अपनी माँ की बात सुनोगे और दवाइयाँ समय पे लोगे तो डॉक्टर साहब तुम्हें आज ही छुट्टी दे देंगे। गंगा बेटा, तुम्हें देखते ही सारी बीमारी चली जाती है। सच कहूँ डॉक्टर जगदीश को बहुत याद करती हूँ। बहुत अच्छा लगता था जब वो सुबह शाम मरीजों से मिलने आते थे। अब तो वो विधायक हो गए हैं, समय नहीं मिलता। उनके होने से अस्पताल की रौनक ही अलग थी। मुझे पता है काकी कि आप डॉक्टर साहब को कितना याद करती हैं। चिंता मत कीजिए, आज शाम को जब वो राउंड्स पे आएंगे ना तो मैं उन्हें बता दूंगी कि कैसे आप अपनी सुबह की दवाई छुपा कर फेंक देती हैं। नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगी, मैंने दवा खाई थी। झूठ मत बोलो काकी, मैंने देखा था एक दिन गुलदस्ते में। चुप, ये झूठ बोल रहा है। सिस्टर जल्दी चलिए, एक बच्ची आई है, बहुत ही हालत खराब है उसकी। ऑन ड्यूटी नर्स ने उसे एग्जामिन किया? उसकी माँ किसी को पास आने नहीं दे रही है, कह रही है जब भी देखेगी गंगा ही देखेगी उसकी बेटी को। आगे चलो। आई होप नरेन होश आ जाए और शिव मुसीबत से बच जाए। बैठे बिठाए किस मुसीबत में फंस गया बेचारा। इस मामले में नरेंद्र का बयान ही अब शिव की मदद कर सकता है। मुझे नहीं लगता भैया कि इतनी जल्दी ये मामला सुलटने वाला है। बहुत गलत हो रहा है, पर वाला ही कुछ चमत्कार दिखाए तो ठीक है, वरना We'll be right back.
है नरेंद्र। नरेंद्र इस दुनिया में नहीं रहा। What? नरेंद्र is dead? बहुत कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। मर्यादा जब एक बार भंग होती है तो होती चली जाती है। इंसान संबंधों की हर सीमा को तोड़ देता है और स्वयं को बचाने के लिए घृणित अपराध करने से भी नहीं चूकता।